Hi friends, welcome back to my channel Chakde with Knowledge. Today's topic is the NPA, and today I will discuss the reasons of the NPA. This is a very important topic, बहुत ही important topic है ये, क्योंकि आपसे interview में भी यह पूछा जाएगा और GD में कई topics होते हैं जो NPA के ऊपर ही होते हैं. आजकल जो GD होता है उसमें से 80% topic NPA के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं, तो ये topic बहुत ही important है. और अगर आप इसको समझ लेंगे एक बार तो किसी भी टॉपिक को अपने हिसाब से एनालाइज करके आप उस टॉपिक में बोल सकते हैं. तो मैं शुरू करता हूँ एनपीए के. एनपीए क्या होता है डिस्कस करते हैं. देखिए एनपीए, एनपीए का जो मीनिंग है वो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. जो बैंक के असेट्स, बैंक के असेट्स क्या होते हैं? बैंक के असेट्स होते हैं बैंक के लोन जो उन्होंने एडवांस दे रखा है. तो एनपीए क्या होता है? जो लोन्स हैं जो नहीं चुकाए गए हैं वो एनपीए होता है. नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आर द लोन्स दैट आर नॉट रिपेड. नॉट रिपेड मीन्स जो नहीं चुकाया गया, एंड आर नॉट जनरेटिंग एनी इनकम टू द बैंक. देखिए जब जो कोई भी लोन एनपीए हो जाता है तो बैंक को आरबीआई नॉर्म्स के अनुसार उस पर इंटरेस्ट लगाना बंद करना होता है. तो बैंक का लोन है वो वापस भी नहीं आ रहा है और बैंक को उस पर कोई ब्याज भी नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है. सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, नॉट रिपेड एंड नॉट जनरेटिंग एनी इनकम फॉर द बैंक. अब कॉजेज ऑफ एनपीए, एनपीए के रीजंस क्या हैं? पहला रीजन, लोन विदाउट थोरोली एनालाइजिंग द रीपेइंग कैपेसिटी. मतलब इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो बैंकर है उसने प्रॉपरली उसको एनालिसिस नहीं किया कि रीपेइंग कैपेसिटी क्या है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई किसी की इनकम 1 लाख पर एनम है, यानी कि 1 लाख रुपए वो हर साल कमाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 8,000 रुपये महीने वो कमाता है. ओके, उसको अपने खर्चे भी करने होते हैं. लेकिन अगर हम उस आदमी को कोई ऐसा लोन दे देंगे जहाँ पर उसकी जो किस्त है वो 8 या 10 हज़ार होगी तो वो लोन नहीं चुका सकता. तो लोन विदाउट थोरोली एनालाइजिंग द रीपेइंग कैपेसिटी, दिस इज अ रीजन. ओके, रिलैक्स्ड लैंडिंग नॉर्म्स. रिलैक्स्ड लैंडिंग नॉर्म्स का मतलब है कि जो नॉर्म्स बैंक ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं उनको रिलैक्स किया गया लोन को देने के लिए, एडवांस को बढ़ाने के लिए. तो जो फाइनेंशियल स्टेटस है व्यक्ति का या कंपनी का, मेनली कंपनीज, क्योंकि जो मेन रीजन है वो कंपनीज हैं एनपीए के केसेज में. तो जो फाइनेंशियल स्टेटस है और उसकी क्रेडिट रेटिंग होती है, क्रेडिट रेटिंग मीन्स अच्छी रेटिंग खराब रेटिंग, उसको सही से एनालाइज नहीं किया गया. ये भी पहले वाला पार्ट कह सकते हो, वहाँ पर रीपेइंग कैपेसिटी नहीं एनालाइज की गई थी, यहाँ पे उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्रेडिट रेटिंग एनालाइज नहीं की गई. इसका मतलब ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं वो एनालिसिस की प्रॉब्लम है. अराउंड 80% ऑफ एनपीए आर फ्रॉम द विलफुल डिफॉल्टर्स. विलफुल डिफॉल्टर्स कौन होते हैं? वो जो बैंक का कर्जा चुका सकते हैं लेकिन नहीं चुकाते हैं, वो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं. देखिए ये मोस्टली क्या है, जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बिग कॉर्पोरेट हाउसेज है वो हैं, जिनके पास पैसा है लेकिन वो चुका नहीं रहे हैं. ये वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है इस एनपीए की. नेक्स्ट, सम लोन्स आर गिविंग टू द बिग कंपनीज दैट आर फेसिंग लॉसेस एंड आर अबाउट टू क्लोज. बड़ी कंपनी होती है वो बंद होने जा रही है, उससे पहले क्या वो एक अप्लाई करती है लोन के लिए, और जब हम आप इंस्पेक्शन पर, जो बैंकर है जो आप बनने जा रहे हैं बैंकर, इंस्पेक्शन पर जाते हैं, देखते हैं बड़ी कंपनी है सब कुछ सही चल रहा है और उसको लोन दे देते हैं, लेकिन वो बंद होने वाली थी एक्चुअल में. तो इस तरह की कंपनियों को जब भी लोन दिया गया वो हमारा एनपीए में टर्न अप हुआ. कंपटीशन अमंग बैंक्स. कंपटीशन ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है. एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया में, और क्या होता है सब में आपस में कंपटीशन है कि हमें बिजनेस को बहुत ही ग्रो करना है, प्रॉफिट बहुत ही आगे बढ़ाना है. तो उसके इसमें क्या होते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन्स दे देते हैं. अनसिक्योर्ड का मतलब जब सिक्योरिटी नहीं ली, सिक्योरिटी के बिना, कोलेटरल के बिना ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे दिया गया. जब आप किसी से सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो वो चुकाने के चांसेज उसके कम हो जाते हैं. तो दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन देना आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं. दूसरा, आप कंपटीशन फ्रॉम अमंग बैंक्स भी मेंशन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा किया गया, बैंकों ने ऐसा क्यों किया. गवर्नेंस इशू विद द बैंक्स. गवर्नेंस इशू का मतलब है जो बैंक की इंटरनल प्रैक्टिसेज हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिसेज की प्रॉब्लम्स के कारण, जैसे कि अभी जो नीरव मोदी स्कैम हुआ आपका, वही सब गवर्नेंस के अंदर आता है. स्विफ्ट का प्रॉब्लम हुआ था,
ओके, तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, गवर्नेंस इशू विद द बैंक। द रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज आर आल्सो नॉट अप टू डेट। रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज मीन्स किस प्रोडक्ट में, किस लोन प्रोडक्ट में, किस व्यक्ति के पास किस में कितना ज़्यादा रिस्क है, उसको प्रॉपरली एनालाइज, जो रिस्क मैनेजमेंट एनालाइज करने की जो प्रैक्टिसेज हैं बैंक्स के अंदर वो अप टू डेट नहीं है। प्रैक्टिसेज वो फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो आज के एनवायरमेंट में अप टू डेट नहीं है। ये आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। द बैंक्स इनएबिलिटी टू रिकवर। बैंक्स ने लोन दे दिया, बैंक्स के पास असेट्स हैं, आपके पास कोलेटरल है, सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई है, उसके बावजूद भी बैंक आसानी से उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाता। इस तरह से रूल्स बनाए हुए हैं इंडिया में, और जब बैंक आसानी से प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर पाता तो जिस भी व्यक्ति ने या जिस कंपनी ने लोन लिया है उसको पता होता है कि बैंक ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, जिसके कारण वो बैंक का पैसा वापस नहीं करता है। तो ये बैंक्स की इनएबिलिटी है, हालांकि इसके जो जिम्मेदार है वो रूल्स हैं, बैंक्स नहीं है, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर है। जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इतने सख्त नहीं है कि कार्रवाई करके तुरंत पैसा आ सके। तो आप एक पॉइंट मेंशन करिए, द बैंक्स इनएबिलिटी टू रिकवर। व्हेन इंडियन इकोनॉमी बाज इन बूम फेस बैंक्स लेट एक्सटेंसिवली टू कॉरपोरेट, हाउ एवर द प्रॉफिट्स ऑफ कॉरपोरेट डिक्रीज ड्यू टू स्लो डाउन इन इकोनॉमी। देखिए दोस्तों, कुछ साल पहले क्या था कि बैंकिंग सेक्टर जूम कर रहा था। क्यों जूम कर रहा था? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जूम कर रही थी। जब इंडियन इकोनॉमी अपने टॉप पर थी और वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, 8-10% की ग्रोथ थी, 9-10% की, तो बैंकों ने क्या किया कि बहुत ही लोन बांटा, वो कॉर्पोरेट हाउसेज को लोन देता गया देता गया देता गया। लेकिन जब इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हुई, तो इंडियन इकोनॉमी पर भी असर पड़ा और इंडियन इकोनॉमी भी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई। ग्रोथ के स्लो डाउन होने के कारण जो कंपनी जिनको कॉर्पोरेट हाउसेज को पैसा बैंक ने दिया था उनका जो है प्रॉफिट कम हुआ। अब जब प्रॉफिट कम हुआ तो उनको जो बैंक की किस्तें हैं या बैंक का जो सीसी लिमिट थी उसका इंटरेस्ट या वो सब जो अदायगी थी, जो उनका एक शेड्यूल था रीपेमेंट का, रीपेमेंट शेड्यूल वो फॉलो नहीं कर पाई, जिसके कारण एनपीए हुआ। बैन ऑन द प्रोजेक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर दिया, बैंक उसको फाइनेंस भी कर देता है और बाद में कोई ना कोई बैन उसके ऊपर लग जाता है, जिसके कारण बैंक का पैसा वहाँ फंस जाता है। जब प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हुआ या कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसमें प्रॉब्लम आता है और वो अकाउंट एनपीए हो जाता है। डिले इन एनवायरमेंटल रिलेटेड परमिट्स, ये भी वही रीजन है, जब भी डिले होगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब इससे जो सेक्टर से जो इन सब चीज़ों से जो मेन प्रॉब्लम आती है वो आती है पावर सेक्टर में, आयरन सेक्टर, स्टील सेक्टर, इन सब सेक्टर्स में प्रॉब्लम आती है और अल्टीमेटली बैंक का पैसा अदा नहीं होता है, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। दूसरा एक रीज़न है वोलेटिलिटी इन द प्राइसेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अवेलेबिलिटी। जो रॉ मटेरियल था उसकी प्राइसेज अगर अचानक से बढ़ गई, सपोज करो किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी और उसकी जो कीमतें वो अचानक से बढ़ गई, तो मार्जिन कम हो जाता है, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। और सपोज करो वो अवेलेबिलिटी कम हो गई, मतलब वो जो प्रोजेक्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल पर डिपेंड है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, ऐसे केसेज में भी बैंक का एनपीए बढ़ता है। गवर्नमेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये भी एक मेजर रीजन है। जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो ऐसे व्यक्ति को लोन दिला देते हैं, ऐसी कंपनी को प्रेशर में देके बैंक से लोन दिला देते हैं जो डिजर्व ही नहीं करता है, जिसको लोन मिलना ही नहीं चाहिए था। और ऐसे व्यक्ति या ऐसी कंपनी को जब लोन मिलता है तो वो बैंक का पैसा अदा नहीं करता है, जिसके कारण अकाउंट एनपीए हो जाता है। विदाउट कॉन्डक्टिंग फील्ड स्टडी, ज़्यादातर क्या होता है बैंक्स में, बैंक्स जो है वो बैलेंस शीट्स पर रिलाई करते हैं, प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स पर रिलाई करते हैं जो कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बना के देते हैं और लॉयर्स आपको उनके जो प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट्स है वो देते हैं। तो बैंकर्स एक मिस्टेक्स करते हैं कि वो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिलाई कर लेते हैं, एक्चुअल थिंग क्या है उस पर नहीं जाते हैं। फील्ड स्टडी नहीं होती है, उससे ज़्यादा स्टडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की होती है, और ये जो होता है उसके कारण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो ये काफ़ी इधर उधर हो जाता है और बनाते हैं, ऐसा नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए ने बनाई, उसको भी बेचारे को पूरा नहीं पता होता है, वो केवल एक दिमाग में कंसेप्चुअल लेके बनाता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से ज़्यादा हमें फील्ड स्टडी की ज़रूरत होती है, वो हमको फोकस करना होता है। जब भी फील्ड स्टडी कम होगी अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एंड यूज ऑफ फंड नॉट वेरीफाइड, जब हमने लोन दिया यानी कि बैंक ने लोन दिया
जब बैंक लोन देता है तो किसी एक पर्पज़ के लिए जाता है। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ अभी छोटे लेवल पर आपको समझाने के लिए कि घर के लिए लोन दिया, तो अगर घर के लिए लोन दिया है तो घर में ही पैसा लगना चाहिए। एंड यूज ऑफ फंड का मीनिंग ये है, अगर वो पैसा सपोज कीजिए उसने घर के लिए लिया लेकिन पैसा लेके वो घूमने चला गया, फॉरेन कंट्री चला गया, तो वो अदा नहीं कर पाएगा। सिंपल सा लॉजिक है इसका, मतलब जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन है उसी प्रोजेक्ट में लगना चाहिए और एंड यूज ऑफ फंड यही होता है। इसको बैंकर को वेरीफाई करना चाहिए, जहाँ भी ये वेरीफाई नहीं होगा तो प्रॉब्लम आता है। कंसोर्टियम फाइनेंस, कंसोर्टियम फाइनेंस होता क्या है? कंसोर्टियम फाइनेंस होता है ये बड़े बड़े जो लोन होते हैं, सपोज कीजिए कि कोई कॉरपोरेट हाउस 5,000 करोड़ का लोन मांगता है तो कोई भी एक बैंक उसको फाइनेंस नहीं करता है, बैंकें मिलके फाइनेंस करते हैं और उसी को हम कंसोर्टियम फाइनेंस बोलते हैं। एक बड़ा बैंक होता है जो स्टडी करता है प्रोजेक्ट की और कंसोर्टियम फाइनेंस को एज ए लीड बैंकर वो फाइनेंस करता है। जो छोटे छोटे बैंक होते हैं वो उसमें पार्ट लेते हैं, सपोज कीजिए 5,000 करोड़ का फाइनेंस है तो कोई बैंक 100 करोड़ देगा, कोई 200 करोड़ देगा। तो छोटे बैंक होते हैं, स्मॉल बैंक होते हैं, वो केवल बड़े बैंक को फॉलो करते हैं और लोन दे देते हैं। अगर बड़े बैंक से गलती हुई तो छोटे बैंक, क्योंकि उन्होंने उसी को फॉलो किया है, वो ऑटोमेटिकली अगर अकाउंट एनपीए होगा तो वो भी सफ़र करेंगे। तो कंसोर्टियम फाइनेंस भी एक मेजर रीजन है। सम कंपनीज आर टेकिंग लोन्स बट आर नॉट एबल टू फिनिश दियर प्रोजेक्ट, ये जैसे पहले था और रीजन्स भी दिए गए थे, लेकिन रीजन कोई और भी हो सकते हैं। पहले हमने एनवायरनमेंट के रीजन और वो रीजन डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ पे रीजन क्या है कि रीजन कुछ भी हो सकता है प्रोजेक्ट का जो अनआइडेंटिफिएबल है, लेकिन किसी भी रीजन से अगर प्रोजेक्ट रुकता है तो प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर कंपनियों ने सपोज करो कि उन्होंने टाइमली प्रोजेक्ट फिनिश नहीं किया है या किसी फंड की कमी की वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करते हैं, बैंकर्स क्या करते हैं, इस आशा में उन्हें लगता है कि अगर हम इन्हें और फाइनेंस कर देंगे तो ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और ये लोन चुका देंगे। तो मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, सम कंपनीज आर टेकिंग लोन्स बट आर नॉट एबल टू फिनिश देयर प्रोजेक्ट, एज ए रिजल्ट द लेंडर बैंक, लेंडर बैंक इज जिस बैंक ने लोन दिया, इज गिविंग मोर लोन्स टू फिनिश द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा था तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फिर से और लोन दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। उस केस में बैंक का पैसा क्या है, जो पहले दिया वो भी डूबता है और जो बाद में दिया गया कि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए वो भी रिकवर नहीं होता है, तो ऐसे बैंक का एनपीए और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ रीजन थे जो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, कंसोर्टियम फाइनेंस, जो प्रोजेक्ट्स का टाइम पर पूरा ना होना, जो कि एनवायरमेंटल के जो भी लाइसेंस हैं उनका ना मिलना, बैंकर्स का प्रॉपरली स्टडी ना करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करना, बिग कॉरपोरेट हाउसेज को लोन देना और उनका प्रॉपर स्टडी ना होना, विलफुल डिफॉल्टर्स, ये सब रीज़न हमने डिस्कस किए। लेकिन बहुत सारे और भी रीजन्स हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जीडी के एस्पेक्ट से। इन पॉइंट्स को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा और हम इसको डिस्कस करेंगे एनपीए चैप्टर 2 में। थैंक यू दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, चक दे विद नॉलेज, बाय।